हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरएसएनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुथार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टीसीएस का इनकम टैक्स में जो नया प्रोविज़न लागू हो रहा है, जो कि 1 अक्टूबर 2020 से ये एप्लीकेबल हो रहा है, क्या इफेक्ट आएगा इस इनकम टैक्स के नए प्रोविज़न से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर, और ये जो 1 अक्टूबर 2020 से टेली में जो नया इनवॉइस जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये सब कुछ आज हम प्रैक्टिकली रूप से सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें, ताकि आपको ये जो नया प्रोविज़न लागू हो रहा है 1 अक्टूबर से, और इसकी जो परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर टाइप की टेली, बिजी और अकाउंटिंग से संबंधित नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड, ये इनकम टैक्स का जो नया रूल हो रहा है टीसीएस में लागू हो रहा है, जिसके सेक्शन 206C सब सेक्शन 1H है, यानि कि इस सेक्शन का इफेक्ट कहाँ पड़ेगा और इस टीसीएस का जो टैक्स के रूप में जो कलेक्ट करना है वो कौन करेगा, इनको हम एक बारी समझ लेते हैं। भी अगर हम सिंपल भाषा में इसकी बात करें तो टीसीएस यानी कि एक ऐसा कोई सेलर वो अपने कस्टमर को एक एसजीएसटी और सीजीएसटी के साथ एक टीसीएस का भी टैक्स अब नया लगाना शुरू करेगा 1 अक्टूबर 2020 से। लेकिन कौन कलेक्ट कर सकता है, इसकी भी कुछ एक बाउंडेशन है, इसके भी एक कुछ एक सीमा है। तो इसको हम एक समझते हैं भी कौन टैक्स को कलेक्ट करेगा, यानी कि एक ऐसा सेलर, ऐसी कंपनी जिसकी फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा थी, पहली कंडीशन तो इनकी यही है। और सेकंड जो कंडीशन यही है भी टीसीएस उन्हीं कस्टमर से ये कलेक्ट किया जाएगा जिनको अभी तक 50 लाख से ज़्यादा का सामान या हम सेल कर चुके हैं। तो उसके बाद में 1 अक्टूबर से जितना भी उसको सामान सेल किया जाएगा उसके ऊपर टीसीएस है जो कलेक्ट किया जाएगा, और टीसीएस किस रेट से कलेक्ट किया जाएगा इसके बारे में हम बात करेंगे, और टीसीएस को किस कंडीशन में अप्लाई किया जाएगा, और कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसके ऊपर टीसीएस है, जिनका टीसीएस उनसे कलेक्ट हम नहीं कर सकते, वो सेलर है जो। तो एक कंडीशन यही है भी टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा थी, और उन्होंने किसी कस्टमर को, ऐसा कोई कस्टमर, सिंगल कस्टमर बायर हो जिन्होंने 50 लाख से ज़्यादा की जो टर्नओवर है जो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये दो कंडीशन है, अगर दोनों कंडीशन लागू नहीं होती है किसी भी एक सेलर पर तो ये इस प्रोविज़न से बाहर रहेंगे। बी वेन टू कलेक्ट टीसीएस, बी सेलर रिसीव्ड अमाउंट कंसिडर्ड बिफोर सेल एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू एक्सेड 50 लाख फ्रॉम एनी सिंगल बायर्स, यानी कि 50 लाख से ज़्यादा की अगर सेल कर चुकी हैं किसी एक सिंगल बायर्स को, तो 1 अक्टूबर के बाद में जितना भी उसको इनवॉइस सेल किया जाएगा उस इनवॉइस के ऊपर इस पर टीसीएस अप्लाई रहेगा। और टीसीएस कलेक्टेड बाई दी रिसीव्ड सच अमाउंट ऑन रिसिप्ट बेसिस, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक रिलीफ देने की कोशिश करी है भी आपको जो टीसीएस गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना है वो उसी कंडीशन में करवाना है अगर आपके पास उस इनवॉइस के अगेंस्ट में पैसा आपके पास आ चुका है तो। लेकिन अगर इसको प्रैक्टिकली रूप से अगर समझने की कोशिश करें तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर को जो सेल होता है वो रूटीन में होता रहता है, लेकिन उसकी जो पेमेंट आती है वो राउंड फिगर में आती है, तो इसका एक वेरिफिकेशन करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मैनुअल रूप से भी कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट में अभी पेमेंट आ चुकी है और कौन सा इनवॉइस अभी ड्यू है, यानी कि उसकी जो अमाउंट अभी आने वाली बकाया है। उसके बाद में आता है भी कौन कौन से ऐसे बायर हैं जो इस कैटेगरी से बाहर रहेंगे, यानी कि आपने उनको अगर सामान 50 लाख से ज़्यादा का सेल किया हो लेकिन उस पर टीसीएस आप कलेक्ट नहीं कर सकते, कौन कौन से रहेंगे भी, वी आर दी गुड्स एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया, यानी कि आउट ऑफ इंडिया से एक्सपोर्ट किया तो उस आप बायर्स को पे टीसीएस आप उस इनवॉइस में आप नहीं लगा सकते।
वेयर आर दी टी डी एस प्रोविजन एप्लीकेबल सच गुड्स वेयर दी बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, कोई एम्बेसी है, जो हाई कमीशन है, चाहे वो लोकल अथॉरिटी है, अगर आप इनको अगर आप सेल कर रहे हो कोई सामान, तो आपको टी सी एस इनवॉइस पे नहीं लगाना है। और उसके बाद में अगर आपका बिजनेस ऐसा है, आपको ऑलरेडी टी डी एस या टी सी एस का आपके पास यूज होता रहता है किसी इनवॉइस में, किसी न किसी रूप में टी डी एस है या टी सी एस है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन है जो नई सेक्शन सेक्शन 206 सी सब सेक्शन 1H, ये आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेगा अगर आपका बिजनेस पे ऑलरेडी आप अपने कस्टमर पे टी सी एस अप्लाई करते हो सेल्स पे। और जो रेट ऑफ टी सी एस रहेगी भी, किस रेट से टी सी एस को हम कलेक्ट करना है, तो ये रहेगा भी टी सी एस सेल्स भी कलेक्टेड 0.1% अमाउंट एक्सेज दी 50 लाख, यानी 50 लाख से अगर ज़्यादा की अमाउंट है तो उसके बाद में जो भी इनवॉइस जारी होगा उसके ऊपर हिसाब से टी सी एस कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ देने की कोशिश करी है, तो इसको अभी 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक इसको 0.1% की जगह 0.075% इसको कर दिया है, और 1 अप्रैल 2021 से ये 0.1% है जो एप्लीकेबल हो जाएगा आज के रूल के अनुसार। और नेक्स्ट है ड्यू डेट टू डिपॉजिट टी सी एस, यानी कि गवर्नमेंट को जो टी सी एस आपने कलेक्ट किया है वो गवर्नमेंट को कब जमा करवाना है, यानी कि द टी सी एस कलेक्टेड बाई द सेलर सेल बी पेड द अकाउंट द गवर्नमेंट बाई द 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, जैसा कि हम ऑलरेडी टी डी एस डिपॉजिट करवाते हैं नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक, सेम उसी तरीके से टी सी एस को भी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक। तो ये एक थोड़ा सा एक रूल, हमें इसको समझने की कोशिश करिए। बाकी आप इसको, मैं इसका लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको पूरा रीड कर सकते हो आप। और अब हम बात करते हैं कि इसका इफेक्ट है जो हम टेली में कैसे लागू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कंपनी यहाँ पर क्रिएट कर रखी है, और कंपनी क्रिएट करने के बाद पहले हम ऑलरेडी ज़्यादातर GST को इनेबल करते थे, अब GST के साथ साथ हमें TCS टैक्स को भी इनेबल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11, और F11 प्रेस करने के बाद हम जाएंगे ट्रेजरी एंड टैक्सेशन पर, और सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो GST आ रहा है हम इसे इनेबल करेंगे, और GST डिटेल को भी हम इनेबल करेंगे, और यहाँ पर हमारा GST नंबर देते हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और उसके बाद में ये इनेबल टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी कि TCS इसको भी इनेबल करना पड़ेगा। तो इसे भी हम इनेबल करेंगे और TCS डिटेल को भी इनेबल करेंगे। तो यहाँ पर 10 रजिस्टर नंबर, जो कि हमारा TDS TCS के अंदर जो 10 नंबर रजिस्ट्रेशन होता है हमारे पास, उसका नंबर हमें यहाँ पर देना पड़ेगा। तो इसे एक बार मैं स्किप कर रहा हूँ। और कलेक्टर टाइप, यानी कि जो इसको टैक्स को जो कलेक्ट कर रहा है, जो इनवॉइस पे लगा रहा है, वो एक कंपनी है या एक इंडिविजुअल या HUF है। तो कंपनी है तो हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अगर हम कंपनी नहीं है तो इंडिविजुअल में रहेगा। और इस तरीके से हम इसको एक बार एक्सेप्ट करते हुए सेव करेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हमें एक TCS का एक नया ग्रुप हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले अकाउंट इन्फो पर हम जाएंगे, और ट्रेजरी इन्फो पर हम इंटरप्रेस करेंगे, और TCS नेचर ऑफ गुड्स जो हमें यहाँ पर श्योर है इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे और क्रिएट करेंगे। और यहाँ TCS नेचर ऑफ गुड्स का नाम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो मैं नाम दे रहा हूँ वो TCS ऑन सेल गुड्स, और यहाँ पे सेक्शन जो उसके बाद जो नई सेक्शन लागू हो रही है 206 सी सब सेक्शन 1H, और इसका जो पेमेंट कोड रहेगा वो 206 सी रहने वाले हैं। और उसके बाद में जो जिस रेट से TCS कलेक्ट करना है वो रेट हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी विद पेन के साथ, जिस कस्टमर के पेन नंबर हमें अवेलेबल करवाता है उसका किस रेट से TCS कलेक्ट करना है, और विदाउट पेन यानी कि जो बायर्स हमें पेन नंबर अवेलेबल नहीं करवाते हैं उसका किस रेट से कटेगा। तो विद पेन के साथ 0.075% रहेगा, और विदाउट पेन के साथ 1% का TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। और यही कंडीशन रेट ऑफ अदर कलेक्टेड टाइप यानी कि इंडिविजुअल को छोड़ के बाकी कोई कंपनी उस पर भी यही एप्लीकेबल रहेगा। और यहाँ पर इसकी जो लिमिट है
अब यहाँ पे हमें लिमिट किसी भी टाइप की कोई एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है, कोई लिमिट नहीं देनी, तो इसे हम एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये TCS का जो ग्रुप है हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें लेज़र क्रिएट करने पड़ेंगे हमारे कस्टमर्स के और सेल्स के। तो सबसे पहले हम अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाएंगे, लेज़र पर जाएंगे और क्रिएट करेंगे। अब मैं दो कस्टमर के नाम क्रिएट करूँगा, एक ऐसा कस्टमर जिसके पास पेन नंबर है और दूसरा ऐसा कस्टमर जिसके पास पेन नंबर नहीं है। तो एक नाम मैं करता हूँ सुदेश कुमार और ये मेरे लिए कस्टमर है, तो मैं इसे सैंड्री डेबिटर्स में रखूँगा और इंटरप्रेस करते हुए भी यहाँ पे स्ट्रेचरी टाइप में इज TDS एप्लीकेबल। अब हम यही मान के चलेंगे भी ये हमारे कस्टमर है और इस कस्टमर को हमने 50 लाख से ज़्यादा की सेल ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो इसको मैं TCS पे एप्लीकेबल रहेगा, तो इसको मैं यस करूँगा। और उसके बाद में यहाँ पर ये बायर्स की डिटेल्स हमसे पूछेगा भी ये किस टाइप की अथॉरिटी है, तो मैं इसको एक बार इंडिविजुअल और रेजिडेंस में इसको मैं रख रहा हूँ और यहाँ पर इसका पेन नंबर मैं डालूँगा और इंटरप्रेस करते हुए इसे मैं रेगुलर में रखूँगा और सेव करूँगा। और इसी तरीके से एक कस्टमर मैं ले लूँगा राम कुमार सैंडी डेप्टर और इस पर भी TCS अप्लाई रहेगा और ये भी मेरा इंडिविजुअल रेजिडेंस है और इसके पास पेन नंबर नहीं है लेकिन ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो उसके बाद हमें सेल्स के लेज़र बनाने पड़ेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक इनवॉइस का फॉर्मेट है, इसी इनवॉइस को हम बनाने की कोशिश करेंगे जैसा कि मोबाइल्स हैं, तो हम एक लेज़र क्रिएट करेंगे सेल का, मोबाइल सेल्स GST 12% का ये प्रोडक्ट है, तो अंडर में रहेगा ये सेल्स काउंट, तो GST भी इस पर लगेगी। तो ये हमारी लोकल की सेल है तो हमें GST डिटेल को देना ज़रूरी नहीं है, इसे गुड्स करेंगे। और TCS एप्लीकेबल है, इसे हम एप्लीकेबल करेंगे। और TCS ऑन सेल्स गुड्स जो हमने यहाँ पे नेचर ऑफ गुड्स जो बनाया था TCS का, वो यहाँ पर आएगा। हमें ये TCS ऑन सेल्स गुड यही हम सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे। इसी तरीके से CGST टैक्स अंडर में रहेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस और ये GST सेंट्रल टैक्स। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जब CGST और SGST का जब टैक्स का लेज़र बनेगा तो वहाँ पर भी इस TCS एप्लीकेबल है, इसे एप्लीकेबल रखना पड़ेगा। हम इसको एप्लीकेबल करेंगे और TCS ऑन सेल गुड्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से SGST टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्सेस GST और स्टेट टैक्स में रखेंगे, इसे भी हम एप्लीकेबल करेंगे और TCS ऑन सेल गुड्स पे एक्सेप्ट करेंगे। और ये तो थे हमारे SGST और CGST टैक्स। अब जो TCS टैक्स हमें जो लगाना है वो भी है, इसका लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा भी TCS टैक्स, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा। और अब यहाँ पे टैक्स यानी कि ड्यूटी टाइप में हम इसको TCS सेलेक्ट करेंगे और TCS ऑन सेल्स गुड्स को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारे लेज़र क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें एक स्टॉक आइटम क्रिएट करनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम इन्वेंट्री इन्फो पर, स्टॉक आइटम पर और क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमें स्टॉक आइटम को भी क्रिएट करना पड़ेगा, तो स्टॉक आइटम के लिए इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम और क्रिएट। और यहाँ पर हम स्टॉक आइटम का नाम एक बार मोबाइल ही बना देते हैं, ये अंडर पीसीएस में रहेगा और GST पे हम इनेबल हम करेंगे। HSN कोड इसका 1234 और इसको हम टैक्सेबल रखते हुए इस पर GST 12% को ये इनेबल करेंगे। तो उसके बाद हमें ध्यान रखना है मोबाइल पे यानी कि जो स्टॉक आइटम क्रिएट हो रही है उस पर भी TCS को एप्लीकेबल करना पड़ेगा। तो जैसे हम TCS को एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ पर हमें सेम वही नेचर ऑफ गुड्स का हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा जो TCS के अंडर में हमने एक ग्रुप क्रिएट किया था TCS ऑन सेल गुड्स। इससे इंटरप्रेस करते हुए इस आइटम को हम सेव करेंगे और उसके बाद इसकी एक सेल्स एंट्री हम बना के देखेंगे। तो इसके लिए अकाउंटिंग वाउचर पर और सेल्स वाउचर पर हम जाएंगे। अब तो जैसे मेरे पास सेल्स वाउचर आ रहा है, अगर आपके पास सीधा सेल्स वाउचर नहीं है तो आप कीबोर्ड से F8 बटन भी प्रेस कर सकते हो
और यहाँ पे जो डेट मैंने दे रखी है वो 1 अक्टूबर 2020 है। और उसके बाद कस्टमर मेरा सुदेश कुमार, और यहाँ पर मैं मोबाइल सेलेक्ट करूँगा और एक मोबाइल मेरा, अब ये तो मैं 20,000 रुपये मेरा टैक्सेबल वैल्यू है। और यहाँ पर मोबाइल सेल्स GST 12% का जो हमने सेल्स अंडर में लेज़र क्रिएट किया था उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद CGST टैक्स और SGST टैक्स। तो इस तरीके से 22,400 रुपये इस इनवॉइस की जो टोटल वैल्यू बन चुकी है। और जब TCS जो लगेगा, अब यहाँ पर हमने जो TCS टैक्स का एक जो लेज़र क्रिएट किया था अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, उसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये 17 रुपये का जो टैक्स है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट कर देगा। लेकिन अभी तक एक टेली सॉफ्टवेयर में एक थोड़ी सी एक प्रॉब्लम आ रही है। वो क्या प्रॉब्लम है, अगर हम इसकी टैक्स एनालिसिस के क्रम बात करें तो यहाँ पर जो टैक्स की जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल, यहाँ पर अमाउंट तो 22,400 पे सही कर रहा है लेकिन जो टैक्स का जो रेट है वो 0.08% के हिसाब से ये कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि 75 पैसे की बजाय ये 80 पैसे के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कर रहा है। तो जैसे भी टैली में अपडेशन होएगी ये भी रेट जो टैक्स की अमाउंट है वो भी सही हो जाएगी, लेकिन जो एंट्री करने का जो तरीका है वो यही रहने वाला है। और इसे हम इंटर प्रेस करते हुए इसको सेव करेंगे। तो एक बार हम TCS का रिपोर्ट हम देख लेते हैं। इसके लिए डिस्प्ले पर, ट्रेजरी रिपोर्ट पर और TCS रिपोर्ट पर। तो सबसे पहले हम फॉर्म 27EQ को हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि TDS में जैसे 26Q और 24Q जो फॉर्म होता है, जो TCS में ये 27EQ फॉर्म यूज होता है रिटर्न के लिए। इंटरप्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22,400 रुपये की वैल्यू है और यहाँ पर इसका जो टैक्स कलेक्टेबल है वो 17 रुपये आ चुका है, यानी कि इस अमाउंट पे 17 रुपये का जो TCS है वो कलेक्ट हम कर चुके हैं। एक सेल की इनवॉइस की एंट्री और भी करेंगे उस कस्टमर की, जिस कस्टमर ने हमें, यानी कि हमको पेन नंबर अवेलेबल नहीं करवाया है। तो इनवॉइस नंबर 2 रहेगा और उस कस्टमर का नाम था राम कुमार और प्रोडक्ट का नाम भी मोबाइल और 20,000 रुपये की अमाउंट है और ये मोबाइल सेल्स में एंट्री रहेगी। और उसके बाद CGST टैक्स और SGST टैक्स। और अब इस पे जो TCS जो कलेक्ट हम करेंगे वो पूरा 1% के हिसाब से इस पे टैक्स की कैलकुलेशन करेगा 224 रुपये की। और इसकी टैक्स एनालिसिस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें शो करेगा भी पूरा इस 22,400 रुपये, यानी कि इस अमाउंट पे GST इंक्लूड है और इसका 1% के हिसाब से इसका TCS कलेक्ट हो रहा है 224 रुपये का। और इस वाउचर को हम एक्सेप्ट करेंगे और अब इसका इफेक्ट है जो TCS की रिटर्न पे भी देखेंगे क्या इफेक्ट इसका आएगा। लेकिन उससे पहले हमारी एक बार हम सेल को वेरीफाई कर लेंगे भी टोटल सेल हमारी कितनी हो चुकी है। तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आएंगे और इसको LTF1 डिटेल के साथ अगर देखेंगे तो टोटल सेल है वो हमारी 40,000 रुपये हो चुकी है 2 इनवॉइस की। और TCS रिटर्न पे इसका क्या इफेक्ट आएगा वो भी हम देखेंगे। तो इसके लिए डिस्प्ले पर, ट्रेजरी रिपोर्ट पर और उसके बाद TCS रिपोर्ट पर और फॉर्म 27EQ पर। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमें केवल 22,400 रुपये की ही असेसेबल वैल्यू शो हो रही है, यानी कि ये विद GST है, इसमें अमाउंट में GST इंक्लूड है और यहाँ पर टैक्स की अमाउंट भी जो 17 ही शो हो रही है जो हमारा इनवॉइस नंबर 1 था। लेकिन अब इस रिटर्न में एक एरर हमें यहाँ पर ये शो कर रहा है, इस एरर को यहाँ से हमें इस एरर को हटाना है क्या, क्योंकि ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में इसकी अमाउंट है जो शो कर रहा है इस एरर को। तो इस पे जब इंटर प्रेस करेंगे तो उस एरर का रीज़न भी हमें पता चलेगा भी क्या इसका रीज़न आ रहा है। और रीज़न इसका यही शो कर रहा है भी पेन नॉट अवेलेबल फॉर पार्टी, यानी कि एक ऐसी पार्टी है जिसने आपको पेन नंबर अवेलेबल नहीं करवाया है। तो इस पे हम इंटर प्रेस करेंगे तो वो सेम वही नेम ऑफ लेजर यहाँ पर शो करेगा राम कुमार का। और यहाँ पर इसका पेन नंबर हम एक बार डाल लेंगे यहाँ पर और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से वो एरर हट जाएगी और यहाँ पर भी आप देख सकते हो वो 0 हो चुकी है। और अब 44,800 रुपये, यानी कि विद GST के अमाउंट भी यहाँ पे शो करने लग गया। लेकिन अभी यहाँ पर ये डिफरेंस है जो शो करेगा जो बैलेंस कलेक्टेबल है -207, क्योंकि इस इनवॉइस को हमें दोबारा एल्टर करना पड़ेगा। इसके लिए हम इस यहीं पे इंटरप्रेस करेंगे
और ये जो सेकंड जो इनवॉइस था, जिस इनवॉइस में ये डिफरेंस शो कर रहा है, इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो वो इनवॉइस हमारे सामने खुल के आ जाएगा। अब इस इनवॉइस पे हम इंटरप्रेस करते हुए और TCS कलेक्शन पे इस अमाउंट को एक बार हम स्पेस बार से हटा देंगे और जब दोबारा इंटरप्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक 17 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। और इसे हम इंटरप्रेस करते हुए इसको सेव कर देंगे। तो अब इसका जो इफेक्ट है वो यहाँ से हट चुका है, जो माइनस में शो कर रहा था, और जो टोटल टैक्स कलेक्टेबल है वो 34 रुपये आ चुका है, यानी कि दोनों इनवॉइस के 17 रुपये का। और इसकी हम बैलेंस शीट अगर हम देखें तो बैलेंस शीट में भी अब ये CGST और SGST के अलावा ये TCS टैक्स की भी लाइबिलिटी यहाँ पे अब शो करना शुरू कर देगा। ये 34 रुपये जो हमने कस्टमर से जो कलेक्ट किया वो भी हमारी लाइबिलिटी है, क्योंकि इसे भी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो जब इसकी एंट्री हम करेंगे तो सेम वही तरीका रहेगा। तो डिस्प्ले पे जाएंगे, स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर जाएंगे और TCS रिपोर्ट पर जाएंगे और फॉर्म 27EQ देखेंगे। तो अब इसके पेमेंट करने के लिए हमें ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्टेट पेमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से जो टैक्स टाइप है वो TCS को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर इसका पीरियड हम देंगे और यहाँ पे किस तारीख से हम इसको डिपॉजिट करा रहे हैं, तो सेक्शन वही जो हमने यहाँ पे डाली थी और नेचर ऑफ गुड TCS ऑफ गुड्स, और इसे हम लोन कंपनी सेलेक्ट करेंगे, इसे रेजिडेंस सेलेक्ट करेंगे और किस बैंक के थ्रू हम डिपॉजिट करवा रहे हैं वो HDFC बैंक का नाम आ जाएगा। और इंटरप्रेस करते हुए इसे हम सेव करेंगे। तो अभी भी यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है कि जो मैं टैक्स डिपॉजिट कराने के बाद भी नोट इंक्लूडेड ट्रांजेक्शन, यानी कि जो पेमेंट अभी तक आपने करी है उसकी ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पर शो नहीं कर रहा। तो इस पर हम इंटरप्रेस करेंगे तो हमें वो बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी, नॉन कंपनी और उसका जो चेक की डेट वगैरह, जिस डेट को हमने इसको डिपॉजिट करवाया है, उसका बैंक का जो DSR कोड है और उसका कितने नंबर उसका चलान है, वो सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। जैसे हम इंटर देंगे तो यहाँ पर वो एरर अभी भी आ रही है इसमें, तो एरर आने का जो रीज़न है इसमें ब्रांच का नाम है जो नहीं लिखा गया, ब्रांच के नाम लिखेंगे तो वहां से वो एरर इसमें डेट हमें डालनी पड़ेगी यहां पर, चलान की डेट भी, तो वो एरर यहां से हट जाएगी और जो 34 रुपये डिपॉजिट जो करवाए हैं वो इसकी पेड पेमेंट में भी शो करना शुरू कर देगा। और अब हम एक बार दोबारा इसकी बैलेंस शीट पे हम जाएंगे तो बैलेंस शीट से वो जो लाइबिलिटी हमारी SGST और CGST के साथ जो शो हो रही थी वो भी अब नहीं होगी, यहाँ पर केवल CGST और SGST की अमाउंट ही शो होगी। और अब इसके TCS की जो रिटर्न है वो भी बिल्कुल हमारी सही रिपोर्ट अब शो करेगा, अब इसमें भी किसी भी टाइप की कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।